हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है उदय और आप देख रहे हैं डिकोडिंग टेक। भाई देखो, स्मार्टफोन की इंडस्ट्री में लॉन्च कर दिया है इंडिया के अपने खुद की कंपनी ने, माइक्रोमैक्स ने, इन वन स्मार्टफोन, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने जाएंगे। तो पूरी वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, बाकी बातें इंट्रो के बाद। हाँ तो भाई, ब्लॉकबस्टर फोन के नाम से उतारा गया इस फोन को। पहले आया था इन वन बी, इन नोट वन, इन दोनों के बीच में उतारा गया है इन वन को। हम बात करेंगे भाई इस फोन की पूरी स्पेसिफिकेशन, सारी डिटेल्स और सब कुछ ए टू जेड के बारे में, कैसा है ये फोन, आपको लेना चाहिए भी या जाने देना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। भाई देखो, इससे पहले मैं आगे बढ़ू वीडियो में, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो भाई देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसा कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है, फटाक से एकदम सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। क्योंकि भाई देखो, हर संडे और वेडनेसडे आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैं लेकर आता हूँ टेक रिलेटेड वीडियोस। तो आप जल्दी से बात करते हैं भाई, अपन क्या बोलते हैं, इसके जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं उसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या भरा है इस ब्लॉकबस्टर फोन। सबसे पहले अगर सामने की तरफ में बात करें तो 6.67 इंचेस का एक तो फुल एचडी प्लस एलसीडी पैनल आपको देखने को मिलेगा, जिसका एस्पेक्ट रेशियो है 20:9। एस्पेक्ट रेशियो नहीं, स्क्रीन रेशियो जो होता है, बॉडीज टू स्क्रीन रेशियो, वो है 20:9। और इसे प्रोटेक्शन दी गई है, पता नहीं किससे, रेनबो ग्लास प्रोटेक्शन है। बेसिकली ये भी गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन टाइप की होती है, बस काम थोड़ा सा अलग है, काम वही है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। और अगर डिस्प्ले में ही बात करें तो डिस्प्ले में छेद करके डाला गया है एक तो कैमरा, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। फिलहाल तो ये है कि भाई बहुत छोटा सा पंच होल डिजाइन दिया गया है, जिससे कि स्क्रीन एकदम कंप्लीट दिखती है और आपके जो भी कंटेंट आप देखते हैं स्क्रीन पर वो कटता वटता नहीं है पंच होल या फिर वो उस वी कट के कारण। मतलब थोड़ा सा तो कटेगा ही ना, मतलब पंच होल है तो, लेकिन इतना दिखेगा नहीं। कैमरे की अगर हम लोग फटाक से बात करें तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा ट्रिप्सी बैठ के जा रहे हैं। तीन कैमरे, 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस एक और 2 मेगापिक्सल का कैमरा। सामने की तरफ में अगर देखें तो 8 मेगापिक्सल का एक कैमरा डाला गया है पंच होल के थ्रू, जो मैंने पहले आपको बताया था इसके। अब कैमरा इसका बहुत ही सॉफ्टवेयर वाइज इम्प्रूव किया गया है पिछले दो फोन से कंपेरिजन में, क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर इश्यूज बहुत देखने को मिले थे। और हाँ, इसमें फ्रंट कैमरा में जो है नाइट मोड भी अवेलेबल है, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज है कि फ्रंट कैमरा नाइट मोड अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसके दिल की, दिल्ली वाले दिल की अगर बात करें हम लोग, तो आते हैं प्रोसेसर पे। तो प्रोसेसर इसमें डाला गया है यार मीडियाटेक का हीलियो G80 प्रोसेसर, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर कहलाता है, जो कि बहुत सही प्रोसेसर है। और क्योंकि अभी ये क्लीन एंड्रॉइड है, हाँ, तो आपको ये भी बता दूं कि इसमें क्लीन एंड्रॉइड डाला गया है, जिसके कारण ये और तेज चलता है, मतलब कोई ब्लोटवेयर नहीं है, कोई एड्स नहीं है, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो ब्लूटूथ लेटेस्ट होते 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 रह गया, 5.0 डाला गया है, बट कोई नहीं, चलेगा वो भी। 5000 mAh की एक बैटरी डाली गई है, जिसमें 18 वॉट का आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। और हाँ, चार्जर आपको बॉक्स में डाल के दिया जाएगा, तो बाहर से खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब खरीद के रखा है तो यूज करना, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आपको फोन जब खरीदेंगे तो उस समय उसमें आपको मिलेगा एंड्रॉइड 10 और एक दो महीने के अंदर अंदर आपको एंड्रॉइड 11 का अपडेट दे दिया जाएगा। और इसी के साथ एक चीज और है कि 2 साल तक एंड्रॉइड के अपडेट्स की गारंटी दी जाती है आपको कंपनी के द्वारा। अब अगर रैम और रोम के वेरियंट्स की बात करें तो 2 वेरियंट्स में फोन लॉन्च हुआ है। एक है आपका 4GB रैम, 64GB RAM, 6GB रैम, 128GB ROM। अब अगर दोस्तों सबसे पहले प्राइसिंग की बात करें, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी फोन का, तो उसमें अपन देखते हैं कि भाई इस फोन को प्राइस किया गया है 4GB रैम 64GB RAM वाले वेरिएंट को 10,499 नॉर्मल टाइम पे, 6GB रैम 128GB ROM वाले वेरिएंट को प्लेस किया गया है एट 11,999 रुपीज नॉर्मल टाइम पे। लेकिन 26 मार्च को ये फोन लॉन्च हो रहा है, अगर आप उसी दिन शुभ दिन पे आप जाके टपक जाते हैं उनकी दुकान पे और बोलते हैं कि दे दीजिए फोन, तो आपको ये फोन मिलेंगे 6GB रैम 128GB वाला ROM वाला वेरिएंट 11,499 पे, और 4GB रैम 64GB वाला जो वेरिएंट है फोन का वो आपको देखने को मिलेगा एट 10,000 ओनली। बेसिकली जो लॉन्च प्राइस इसका रखा गया है वो 500 रुपए कम है नॉर्मल प्राइस से। सो हाँ, अगर आपको फोन पसंद आ रहा है तो आप 26 मार्च को एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पर जाकर इस फोन को खरीद सकते हैं बस। और हाँ, एक चीज और, रंगीनियत की अगर बात करें भाई, कौन कौन से कलर से, तो बेसिकली पीछे एक एक्स पैटर्न बनता है और 2 कलर्स में अवेलेबल है। एक तो है जो ग्रीन
ब्लू टाइप का जो कलर है और एक पर्पल और जो व्हाइट टाइप का जो कलर है, दो कलर्स में अवेलेबल हो गए। अब मेरा ओपिनियन इस फोन पे ये है कि भाई बहुत ही तगड़ा है, और अगर कैमरा की बात करें तो कैमरा इसका हाईलाइट भी हो सकता है काइंड ऑफ, क्योंकि देखिए कैमरा का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है एज कम्पेयर टू द लास्ट वेरियंट ऑफ द फोन। एक प्रॉब्लम है कि भाई इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है, यानी कि आप दो सिम और एक मेमोरी कार्ड एक साथ नहीं डाल सकते इसमें, बट ठीक है वो सह लेंगे, थोड़ा वाला बात हो जाता है। बाकी फोन तो एकदम देखने में चौखम लगता है भाई, एकदम पतला सा फोन है, एकदम स्लीक फोन है और बहुत ही बेहतरीन डिजाइन के साथ आता है, पीछे फिंगरप्रिंट भी दिया गया है, तो सब कुछ ऑल इन वन डाल दिया गया है। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपको कोई फोन खरीदना हो या आप खरीदने वाले हैं तो इस फोन को आप डेफिनेटली कंसिडर कीजिएगा एज एन ऑप्शन, क्योंकि यार देखो बहुत ही तगड़ी स्पेसिफिकेशन ये भी लेकर आ रहा है और माइक्रोमैक्स से तो भाई सर्विस सेंटर हर जगह अवेलेबल है, तो आपके फोन को कुछ होता है तो कंपनी भाग नहीं रही एटलीस्ट। अब बाकी फोन्स के साथ इसको कंपेयर करके अगर आपको पसंद आता है तभी आप इस फोन को लीजिएगा। बाकी मेरे अकॉर्डिंगली 11,000 अगर आपके पास है तो आप डेफिनेटली इस फोन में डाल सकते हैं, कोई इश्यू है ही नहीं, एकदम मस्त फोन है, चोखा फोन है। तो भाई ये थी कहानी माइक्रोमैक्स इन वन की। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप मैं हर संडे और वेडनेसडे ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप तो फैमिली ही हैं हमारी, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्वाइन हो जाइए हमारी फैमिली में। तो बस मिलते हैं हम लोग अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मास्क पहने, क्योंकि कोविड फिर से फैल रहा है।